अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, सेहत ठीक है आपकी। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। यहाँ मैं आया हूँ चकबेली रोड पे, एक जगह पे स्टोर है, वहाँ पे कोई इनको सामान वगैरह देना था, तो उनको जो है ना वो डिलीवरी देने आए हैं सामान की, अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी। तो यहाँ पे मैं आया तो हर तरफ मिट्टी की खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा कि जो बंदा बयान नहीं कर सकता, इतनी अच्छी मिट्टी की खुशबू। आपको पता है कभी कभी बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आती है तो कितनी अच्छी लगती है। ये जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जो मेरे जो गांव को पसंद करते हैं, गांव का व्यूज़ पसंद करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए वीडियोज़ है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखें, हर तरफ अभी मग़रिब से जो है ना कम से कम आधा घंटा ऊपर हो चुका है, तो अभी भी जो है ना काफ़ी सारी रोशनी है, तो जिसमें ये दिखाना चाह रहा था मैं कि ये देखें हर तरफ ये इन्होंने फसलें जो है ना चारों तरफ ट्रैक्टर के ज़रिए इन्होंने जो है ना ज़मीन को ताज़ा कर दिए। और अभी जो है ना यहाँ चांद भी मैंने दिखाया पहले आपको, और अभी ये यहाँ पे फसल वगैरह काश्त करेंगे। और ये देखें हर तरफ से मिट्टी, यानी चारों तरफ इन्होंने ना ये गाँव है और हर तरफ से जो है मिट्टी की खुशबू आ रही है। ये कुछ परिंदे उड़ते जा रहे हैं, ये भी आप देखें इनका व्यू, ये भी अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इस साइड का व्यूज़ आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको दिखाया अभी, तो यहाँ पे भी देख लें हर तरफ जो है ना मिट्टी को उन्होंने ताज़ा किया है। यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए नीचे तो गपें शपें लगा रहे हैं। ये देखिए ये सारा इन्होंने ताज़ा किया है, और ये चकबेली रोड है, इसके ऊपर ये वाक़ है पुटवार कैशन कैरी के नाम से। तो ये बड़ा अच्छा मंजर था, कुछ मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। जो गांव को पसंद करते हैं वो लोग तो बहुत ही होंगे। देखें ये पुटवार लिखा हुआ है, ये इसकी छत पे मैं आया, मैंने कहा यहाँ से इसका मंजर बनाते हैं, व्यूज लेते हैं। तो ये देखिए ये मेन रोड है इसकी, चकबेली रोड, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं या गुजरे हुए हैं तो वो जानते होंगे उनको। ये झंडा फ्लैग है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा फ्लैग उन्होंने लगाया हुआ है। ये देखो हमारे मुल्क का फ्लैग है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ से, और ये भी अभी आप देखेंगे ट्रैक्टर जो है ना नज़र आ रहा होगा आपको, ये अभी भी जो है वो ज़मीन जो है वो इसको नरम कर रहा है। ये देखो ये चारों तरफ इन्होंने ज़मीन इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, आपने भी देखी होगी कैमरे में, पता नहीं कैसे लग रही है। आपको पता है आँखों की जो बिनाई है वो अल्लाह ताला ने जो इंसान को दी है उसकी तो मुकाबला कोई चीज़ कर ही नहीं सकती। उससे जो इंसान देखता है, उससे जो अभी जो स्मेल आ रही है चारों तरफ से मिट्टी की, ताज़ा ताज़ा मिट्टी की जो खुशबू आ रही है वो भी बयान नहीं कर सकता, बहुत प्यारी लग रही है। ये भी अभी सूरज डलने के बाद का मंजर है, ये पुटवार के नाम से दिखे उन्होंने, ये है इसकी, मैं बैक साइड दिखा रहा हूँ इस वजह से ऐसे दिखाई दे रही यार। अभी थोड़ी देर पहले प्लेन भी गुजरा है यहाँ से, लेकिन मेरी नज़रों से वो जो लोग हैं, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन बड़ी तेज़ी से वो ना कहीं वो जो लोग हैं, अभी समझ नहीं आई कौन सी साइड पर चला गया। तो ये देखें कितना खूबसूरत मंजर, कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। सनसेट हुआ है यहाँ पे, सनसेट के बाद का मंजर देखें आप कितना खूबसूरत, चारों तरफ ज़मीन ताज़ा और इतनी अच्छी ताज़ा खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू है। मेरे नीचे से मैंने देखा लेकिन मेरी आँखें को सुकून नहीं मिला, ठंडक नहीं पहुँची, तो मैंने कहा ये ऊपर जा के देखता हूँ। एक बार लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से वीडियो बनाने लगा था, लेकिन वो हुआ इस तरह था कि दरअसल बारिश बहुत ज़्यादा थी, बारिश इतनी तेज़ थी कि मुझसे सीढ़ी ही नहीं चढ़ा जा सकता, तो इसलिए अभी मैं आया हूँ यहाँ पे सीढ़ियों पर, तो ऊपर चढ़ के मैंने कहा देखूँ ज़रा कि यहाँ से कैसा ये मंज़र लग रहा। तो अभी ये देखें भजन आए हैं, तो इन्होंने लाइटिंग वगैरह अभी ऑन की है,
कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं भजन? सच ठीक है। तो ये माशाल्लाह अभी लाइटिंग ऑन करेंगे, इसकी पुठवार भी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये ऐसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लाइटिंग लग रही है शाम को। ये फिर इन्होंने ये वो भी लगाए हुए यहाँ पे, क्या नाम है, सोलर का भी सिस्टम लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा। नहीं नहीं, आप लें प्लीज़। बहुत शुक्रिया, मुझे ये मंज़र बहुत अच्छा लगा आपके गाँव का ना, तो मैंने कहा ज़रा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ये कौन सी खास, ये कौन सी जगह है जी? जट्टा अथियाल। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी आई है ना, मैं नीचे था लेकिन मुझे दिल किया मैं जाके छत से ना इसका कोई व्यू लूँ और बनाऊँ वीडियो। आप बैठते रहते हैं अक्सर, आते हैं यहाँ पे ऊपर हैं? अच्छा माशाल्लाह सही, माशाल्लाह बहुत अच्छा जी मंज़र। ये सनसेट का जो है, सूरज डूबने का मंज़र, ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से। पुरसकून जगह है। और अभी ये अभी जो इन्होंने ताज़ा ये मिट्टी की है, इसमें ये क्या बीजेंगे? गंदम ही बीजें, गंदम के अभी शुरू होगी। अच्छा 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 ठीक है, चलो सही है जी। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा गंदम दे हमारे जो है इस इलाके को, पूरे मुल्क को। काफ़ी सारी जो कमी बेशी हैं अल्लाह ताला दूर हो जाएँ। तो ये है वैसे ज़रखेज़ ज़मीन लग रही है मुझे देखने में ना आपकी, माशाल्लाह बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। इसकी मिट्टी की खुशबू ही बता रही थी कि यानी इसमें कोई ख़ास वजह है, तो ये बता रहे हैं भाई कि यानी ये भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह जो है इसकी खुशबू से पता चलता है कि ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो ये चाँद का मंज़र भी देखें यहाँ से, कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह का व्यू देखें यहाँ से सारा, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखें आप माशाल्लाह इसी व्यूज़ के साथ फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।